मैडम आपको पता ही है इंक्वायरी ऑफिस कहाँ पर है? नहीं भैया, भैया इंक्वायरी ऑफिस वो भाई साहब एक मिनट भाई साहब, भाई साहब मैं एक घंटे से इस प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा हूँ। चक्कर लगा रहे हो? हाँ बहुत अच्छी बात है चक्कर लगाना। अच्छा अब नीम का पेड़ देखा? हाँ देखा है ना, मैं वहाँ तक चक्कर लगाता हूँ। अच्छा चक्कर लगाने से क्या होता है, सांस की बीमारी नहीं होती। अजी भाई साहब आप मेरी बात सुनिए। और मैं क्या कर रहा हूँ? तो नहीं वैसे तो आप मेरी बात ही सुन रहे हैं, पर जब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो वैसे वैसे क्या हो गया? नहीं आप समझे नहीं। अच्छा हम समझे नहीं, हम बेवकूफ हैं, आप ही हो एक समझदार, हम तो यूं ही पैदा हुए दुनिया में। अरे यार भाई साहब आप जाओ प्लीज यार भाई। अरे यार भाई साहब मुझे रोक लिया, कह रहे हो जाओ, क्यों जाऊँ यार? अरे गलती हो गई भाई साहब, माफ करो। ठीक है बोलो तो अब क्या बोलूं भाई साहब, चाय चाहिए? नहीं चाहिए भाई साहब। क्यों रोका? वो भाई साहब मैं इतना जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस कहाँ पर है? क्यों क्यों क्या मतलब? क्या काम है? मुझे काम है। क्या काम है? अजी है कोई काम? नहीं फिर भी। अजी क्या फिर भी, मुझे कोई भी काम हो आपको क्या मतलब? नहीं भाई साहब आप मुझसे पता पूछ रहे हो ना, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए आप पता क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा ना भाई साहब मुझे काम है। क्या काम है? अरे मुझे कोई भी काम हो आपको क्या मतलब, आपको पता बताना है तो बता दो यार। अरे यार नाराज हो गए आप? होंगे नहीं क्या नाराज भाई साहब? अरे मत करो, मान जाओ यार। अरे आप फिर मुझे क्या दिक्कत है पता बताने में? अच्छा धन्यवाद भाई साहब। किस बात का? आपके पता बताने का धन्यवाद। अभी बताया? नहीं मेरा मतलब ये है पता बताने के लिए राजी हो गए ना इसलिए। नहीं अभी राजी तो हुआ हूँ। हाँ। अभी नहीं बताऊँ तो आपका धन्यवाद तो बेकार गया ना। हाँ इसीलिए आप धन्यवाद बाद में दिया करो। अच्छा ठीक है। हाँ क्यों रोका? बताओ ना इंक्वायरी ऑफिस कहाँ पर है? अच्छा इंक्वायरी ऑफिस। हाँ। आप है ना यहाँ से सीधा जाओ। अच्छा सीधा जाऊँ? बीच में मत बोलो, सीधा जाओ फिर दाएं मुड़ जाओ। दाएं मुड़ जाऊंगा। आपकी आदत नहीं सुधरेगी। सीधे गए दाएं मुड़े फिर बाएं मुड़ जाओ, फिर इधर की तरफ जाना। इधर की तरफ? किधर जाओगे? इधर की तरफ। यार गंदगी गंदी आदतें हैं तो सुधार लो, है ना। सीधे गए इधर गए इधर गए फिर यूं गए फिर 10 कदम आगे जाओ और 10 कदम पीछे आओ। हैं 10 कदम आगे जाऊं फिर 10 कदम पीछे आऊं तो मैं जाऊं ही क्यों? तो फिर खड़े रहो यहीं। हाँ अजी भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? नहीं आप कह रहे हो ना मैं जाऊं क्यों, मैं बताऊं क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है भाई साहब, अरे नहीं चाहिए चाय। देखो भाई साहब मेरे कहने का मतलब ये है जब 10 कदम आगे जाना हो उसके बाद फिर 10 कदम पीछे आना हो तो जाए ही क्यों जाए? नहीं जाना तो पड़ेगा। अच्छा ठीक है चले जाएंगे, बताओ। ठीक है तो वहाँ पे है ना वो वजन तुलते हैं ना। हाँ। वो वाली मशीन आएगी। अच्छा अच्छा है ना, उस पे वजन तुलो। क्यों यार तुल लो, 1 रुपए में मर रहे हो क्या? 1 रुपए ही तुलो, मेरी दुकान है। अच्छा अच्छा तुल लेंगे भाई साहब, आगे बताओ। उसके सामने ही है क्या इंक्वायरी ऑफिस? अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ भाई साहब। एक मिनट रुको। क्या यार इतना शरीफ आदमी ने इतना सारा वक्त लगा के आपको पता बताया, आप धन्यवाद नहीं कहते? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत एहसान किया है मुझ पर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है जाओ तो अब। जा रहा हूँ भाई साहब, चाय पिए क्या? नीचे गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। सॉरी सर। सर मैं यहाँ आया हूँ सर। सॉरी हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। तुम आया हो ना? अरे नहीं सर मैं वो आया नहीं हूँ, मैं यहाँ आया हूँ सर। हाँ क्यों? सर मेरी ड्यूटी लगी है सर। ये रही सर मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। ड्यूटी के पहले दिन लेट? हाँ नहीं सर वो रास्ते में रास्ता नाश्ता कुछ नहीं, तुम लेट हो और मानोगे तुम लेट हो। हाँ सर वो तो मैं मानता हूँ कि मैं लेट हूँ। मानता हूँ तो पर क्या? नहीं सर वो मेरे साथ बोलो कि मैं लेट हूँ। हाँ सर मैं लेट हूँ। शर्म नहीं आती? आती है सर। आती है? हाँ। देखो ये इंक्वायरी ऑफिसर। जी सर। यहाँ पर जो भी आदमी आए। हाँ। वो जो भी जानकारी लेना चाहे। हाँ। उसे तुम दोगे? अच्छा सर है। हाँ। ठीक है तुम यहाँ बैठो मैं आता हूँ। हाँ ठीक है सर। ओ भाई साहब उदयपुर जाने वाली ट्रेन कितने बजे जाती है? उदयपुर वाली? हाँ एक मिनट, वो तो 10 बजे जाती है भाई साहब। कोई मर गया है क्या? भाई हंस के बताओ यार। 10 बजे जाती है भाई साहब। तो दांत को फाड़ रहे हो? 10 बजे जाती है भाई साहब। हाँ ये ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो कोई भी प्रॉब्लम हो। हाँ। मेरे ऑफिस आ जाना। हाँ, आ जाऊंगा सर, आ जाऊंगा आ जाऊंगा। मैंने कोई चुटकुला सुनाया तो हंस क्यों रहा है? वैसे ही हंस रहा था। हंस के देश का नाम कर लेंगे। हाँ।
आदमी सर दर्द हो गया, सर दर्द की गोली खा लूं। पकौड़ी खाई जाए। ए पकौड़े वाले भैया आ रहा बाबू जी। कैसे देते हो पकौड़ी जी? कागज में बांध के ऐसे देते हैं, पकड़ो। अरे मेरा मतलब क्या भाव देता है यार? वो 350 की 17 किलो। 100 ग्राम कितने की हुई यार? अब हिसाब लगा लो बाबूजी, आपको गणित नहीं आती क्या? अरे तो मैं कोई गणित का हिसाब लगाने बैठा हूँ यहाँ? चल ला 100 ग्राम पकौड़ी दे। अब वो दे ही नहीं सकता मैं। क्यों? खत्म हो गई बाबूजी। अरे खत्म हो गई तो फिर चिल्ला क्यों रहा था पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम? अब वो तो रोज चिल्लाता हूँ ना, आदत पड़ी हुई है। मैं तो यू चिल्ला रहा था पकौड़ी वाला पकौड़ी चाहिए लाऊं। ओ सॉरी पकौड़ी वाला पकौड़ी। कैसे कैसे लोग रहते हैं शहर में, गोली खानी पड़ेगी। कहाँ है पूछताछ केंद्र? बोरा बोरा दिख गया दिख गया, अब मजा आएगा। भाई साहब ये पूछताछ केंद्र यही है क्या? हाँ यही है क्या? हाँ यही है। अच्छा ये बताओ भाई साहब कि अपने शर्ट कहाँ मिलती है? हाँ वो बटन वाली होती है ना, बटन बंद करते हैं पहनते हैं अपन। मुझे क्या पता भाई साहब शर्ट कहाँ मिलती है? नहीं मालूम। नहीं अच्छा ये बता दो कि ये पैंट कहाँ मिलती है? पैंट पैंट पहनते हैं ना अपन। अरे भाई साहब शर्ट कहाँ मिलती है, पैंट कहाँ मिलती है, इस बात से मुझे क्या लेना देना? दोनों ही नहीं मालूम। अच्छा ये बता दो ये जूते कहाँ मिलते हैं? शर्ट पैंट जूते इन बातों से मुझे क्या मतलब? फिर किससे मतलब है? अरे भैया ये रेलवे पूछता है, यहाँ रेलों के बारे में पूछा जाता है। अच्छा अच्छा रेलवे के बारे में। हाँ, अच्छा, रेलवे के बारे में। अच्छा ये रेल कहाँ बनती है? मेरे घर पे बनती है। एक डब्बा मेरे घर भिजवाओ। अबे रेल कहाँ बनती है, इंजन कहाँ बनता है, इस बात से मुझे क्या लेना देना? फिर किस बात से लेना देना? अरे ये रेलवे इंक्वायरी है यार, यहाँ पर रेलों के आने जाने के बारे में पूछते हैं। अच्छा रेलवे के आने जाने के बारे में। हाँ। अच्छा भाई साहब ये रेल आती क्यों है? यात्रियों को लेने आती है यार। फिर ये जाती क्यों है? अरे उन्हें लेकर जाती है। ये आना जाना कब तक लगेगा? अरे आपको कहाँ जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना, वो जरा मेरी ट्रेन छूट गई थी, टाइम पास। सब चले दे। क्या हो गया भाई साहब, क्यों आप रहे हो? हाँ अपनी आ रही है। भोपाल जाने वाली जो ट्रेन है वो कितने बजे जाती है? भोपाल जाने वाली? हाँ एक मिनट बता दूँ। भाई साहब सुनो, मेरे को भोपाल जाना है। अच्छा अच्छा, भोपाल जाने वाली ट्रेन वो तो 8 बजे जाती है भाई साहब, वो तो गई। भोपाल जाने वाली? हाँ भोपाल जाने वाली ट्रेन गई है। अजी वो जो 5 नंबर के प्लेटफॉर्म जाती है ना, वो वाली? हाँ हाँ 5 नंबर के प्लेटफॉर्म जाती है, गई वो ट्रेन। 8 बजे जाती है जो, 8 बजे जाती है। हाँ भाई 8 बजे जाती है, गई ट्रेन। आपको पता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 7 डाउन, वो बताओ। हाँ भाई 7 डाउन है, 8 बजे जाती है, भोपाल जाती है, 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, गई ट्रेन। गई? अरे हाँ गई। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता भाई, गई ट्रेन। अच्छा हाँ आप काम करो। अजी भाई साहब जी, क्या है कहीं शंटिंग करने तो नहीं गई है? अरे शंटिंग करने वो सुबह 5 बजे जाती है, और 12 बज चुके, गई वो ट्रेन। नहीं कभी कभी लेट भी तो जाती होगी। अरे आज नहीं हुई लेट, तो चली गई। हाँ भाई चली गई। आप काम करो। हाँ कर रहा हूँ। भाई साहब जी क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं वो दूसरे प्लेटफॉर्म में खड़ी हो, आपको पता ही नहीं हो? हाँ वो तो पागल है, ऐसे ही बैठ के ड्यूटी पर। अबे एक कंप्यूटर रखा है ना, इसमें देख कर बताया मैंने कि ट्रेन इसमें आ जाता है क्या? हाँ आ जाता है। भोपाल की ट्रेन में आ जाती है? अरे सारी ट्रेन आ जाती है यार, गई भोपाल की ट्रेन। तू जा। ठीक है भाई साहब, काम करो ना। कर रहा हूँ। भाई साहब जी आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? तो मेरा जीजा जी लगता है यार। जीजा जी? नहीं। मेरा भाई है? नहीं। मेरा दोस्त है? नहीं। तो तेरे से क्यों मजाक करूंगा मैं? नहीं ऐसे इच्छा हो जाए आप। तेरे से कहते ना भोपाल जाने वाली ट्रेन गई। बस तो नहीं गई यार सच्ची। अरे सच्ची में गई, रियली में गई, भोपाल जाने वाली ट्रेन गई। ठीक है भाई साहब काम करो आप।
साहब जी। मेरे दादा तेरे से मैंने कहा ना भोपाल जाने वाली ट्रेन गई। नहीं वो तो आपने बता दिया ना, तो मैं ऐसे पूछ रहा था कि पूरी गई क्या। नहीं आधी खड़ी है। खड़ी है ना। हाँ। खुली आधी। ट्रेन कैसे जाएगी, ट्रेन तो पूरी जाती है। पूरी जाती है। हाँ। फिर तो इंजन भी गया होगा। इंजन के बिना ट्रेन चलेगी कैसे यार, इंजन ही तो ले जाता है ट्रेन को। घाट का डिब्बा भी गया भाई साहब। क्या है कि मेरा भोपाल जाना बहुत जरूरी है, मैं ना छत पे बैठ के चल जाऊंगा। ट्रेन ही है तो छत कहां से आई? क्यों छत भी जाती है ट्रेन के साथ? नहीं वो तो पीछे पीछे चलती है ट्रेन के। मेरा भी यही कहा। प्लेन में तो लगी होती है छत। भाई साहब ठीक है आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ। चल ऐसे आप काम कर लो। हाँ कर रहा हूँ। क्या कर रहा था मैं? मैं ऐसे पूछ रहा था कि कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ऐसा? हो सकता है क्या? मेरे पीठ पर बैठ जाओ, ऊपर चलते हैं भोपाल। ऐसे तो देर हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? कोई इंतजाम नहीं हो सकता समझे? अजी भाई साहब कैसे नहीं हो सकता? आप सोचो, देखो मेरे पास टिकट था, फिर ट्रेन कैसे चली गई? ट्रेन का टाइम हो गया था और तुम लेट हो गए इसलिए ट्रेन चली गई। नहीं मेरे पास टिकट था। टिकट? अबे तो टिकट था तो कोई भगवान हो गया क्या? नहीं अब मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को भोपाल जाना है, आप मेरे को भोपाल भेजो। मैं तेरे को भोपाल कैसे भेजू? आप ट्रेन को वापिस बुला लो, मैं टक्कर चला जाऊंगा। ट्रेन वापस नहीं आ सकती समझे? अरे कैसे नहीं आ सकती, ये तो आप रेलवे वालों की धांधली है। मैं नारे लगाता हूँ, रेलवे हाय हाय, रेलवे हाय हाय। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे को भोपाल भेजो नहीं तो मैं ऐसे नारे लगाऊंगा। तो मैं तेरे को भोपाल कैसे भेजूं? ये तो आप सोचो, ये आपकी गलती है। आप ऐसा करो बस से चले जाओ। वैसे बस से नहीं, बस से क्यों, मैं तो ट्रेन से जाऊंगा। ट्रेन तो चली गई तो मुझे लेकर क्यों नहीं गई? तो रेलवे वालों से बहुत बड़ी गलती होगी। आप लोगों को है ना एक आठ डब्बे बाद में भेजने चाहिए। भाई लेट आने वाले पैसेंजरों को असुविधा ना हो। हाँ, मैं आपके सलाह रेल मंत्री तक पहुंचा दूंगा श्रीमान। अरे लेकिन भाई साहब मैं अभी भोपाल कैसे जाऊँ? तो कैसे ही जाए यार। बस से चला जा, बस से दादा बस से। तेरे हाथ जड़ू, तेरे पैर पड़ू, बस से चला जा। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। अब आप इतना कह रहे हो ना तो मैं बस से चला जाता हूँ। काम कर लो आप। भाई साहब जी काय की गोली है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ही कह रहा था भाई साहब आप मेरा एक काम कर सकते हो क्या? बोलो। वो बस स्टैंड है। छोड़िए आपको। नहीं नहीं वो क्या है कि वो आप एक फोन करके मेरा टिकट बुक करा दो, मेरा टाइम बच जाएगा। अच्छा भाई साहब आपकी मेहरबानी होगी। हाँ करा रहा हूँ। नंबर क्या है बस स्टैंड का? दो दो पांच नहीं नहीं चार नहीं दो नहीं, एक चार एक दो। टेलीफोन डायरेक्टरी 26 21 22 2। यही तो बता रहा था मैं। ठीक है घंटी बस स्टैंड से बोल रहे हैं। हाँ भाई साहब ये भोपाल जाने वाली बस की टिकट है क्या? हैं? कौन रहा भाई साहब, हम तो सीधे थोड़ी सी मजबूरी है सी। हाँ और मैं ये पूछ रहा था भाई साहब कि भोपाल जाने वाली बस की टिकट मिल सकती है क्या? हाँ भोपाल जाने वाली बस गई? तो भाई साहब भोपाल जाने वाली बस तो गई। आप ऐसे पूछो वास्तव में गई क्या? भाई साहब वास्तव में गई क्या? वास्तव में गई यार। ऐसे पूछो पूरी गई क्या? चाय 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 च
संदेशा संदेशा हाँ संदेशा हाँ अच्छा संदेशा मैसेज